हेलो फ्रेंड्स, आज हम घर की सफाई कर रहे हैं क्योंकि त्यौहार आने वाला है। ये देखिए, इसके लिए मैंने पूरे तान पे से बर्तन निकाल लिए हैं और ये मैंने सारे बर्तनों के स्टैंड के बर्तन सिंक में डाल दिए हैं और ये हमारी स्टैक के बर्तन भी हमने उतार लिए हैं। ये देखिए, अब हम इन्हें वॉश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम हमारे घर के जाले निकाल लेंगे इस टाइप से लंबी झाड़ू से। इस तरह से हम साफ कर रहे हैं। ये देखिए स्टैंड को इस तरह से हम इस पर पेपर बिछा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम हमारे बर्तनों को इस तरीके से धो धो कर मांज कर इनको वॉश कर कर रख लेंगे। फ्रेंड्स, हम ब्रश में सोप लगाकर ये जो ये पीछे लिखा हुआ रहता है या फिर ये इन लाइनों में डिज़ाइन की वजह से इसमें ब्लैक ब्लैक मेल इकट्ठा हो जाता है, उनको हम ब्रश की हेल्प से इस टाइप से पीछे से मांज लेंगे। इससे बहुत आसानी से निकल जाता है। मैंने इसे और भी स्टाइलिश बना दिया है। मम्मी देखो और भी स्टाइलिश कर डाला। 15 स्टाइलिश कर डाला मैंने इसे। वो अपना काम करेगा, मुंह पे मार खाएगा, जाके टाइम से घर वाला बोले ना। हमने इधर से ये बड़ा छोटा और उससे छोटा ऐसे करके पूरा लाइन से मैंने जमा दिया। उधर साइड मैंने पिकल की बर्नियाँ रखी हैं। ये देखिए, अब नीचे के बॉक्स में इनमें सामान भरेंगे। ये कांच की बर्नियाँ हैं और हमने ये वाली भर ली है। ये देखिए, हम बीच में वाली सेल्फ में हमने जमा लिए हैं। अब हम इन्हें भी स्टोर करेंगे। थोड़ा सा काम के बीच में हमें भूख लग गई, तो हमने थोड़ा सा नाश्ता बना लिया। चिप्स तल लिए और चाय बना ली है और कॉफ़ी बना लिया। जिसको जो अच्छा लगेगा वो ले लेगा। देखिए, हमने चिप्स रेडी है और चाय भी। ये बनने के बाद बहुत यम्मी, बहुत क्रिस्पी लग रही हो। अब हम इसको खाने के बाद सफाई करेंगे। चाय और चिप्स बहुत अच्छी लगती है। शाम का टाइम वक्त भी हो गया था, तो इस वजह से मैंने चाय बना ली। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इनमें सामान स्टोर कर लेंगे। हमने स्टोर कर लिए हैं साबुदाना और मूंगफली के दाने और इस वाले में हम राजमा रखेंगे। अब हम इनको ले जाकर सेल्फ में रखेंगे। फर्स्ट फ्लोर पर ये रख रहे हैं। ये हमने रख दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने डिब्बे वगैरह सब साफ कर लिए हैं। अब हम पोछा लगा रहे हैं।
जिससे कि टाइल्स भी बिल्कुल क्लियर और क्लीन हो जाए। हम इसमें फिनाइल का पोछा लगा रहे हैं, आप चाहे तो विनेगर और मीठे सोडे का भी पोछा लगा सकते हैं, उससे भी मॉस्किटो और चींटियाँ वगैरह कुछ भी नहीं होती है घर में और घर क्लीन हो जाता है। ये देखिए कितना डर्टी और गंदा हो रहा है, इसको पोछे से हम बिल्कुल क्लियर और क्लीन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इतना गंदा हो चुका है कि हमने इस पर पानी डाला है और अब हम इसको थोड़ा रिगड़ा है, फिर हम इस पर पोछा लगाएंगे क्योंकि ये गल जाएगा इससे, पानी से और फिनाइल से, और इसके जाम्स और वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने किचन की क्लीनिंग कर ली है, कितना अच्छा लग रहा है अब ये साफ़ और क्लियर और क्लीन। ये देखिए हमारी ऊपर की सेल्फ है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये कॉर्नर है, ये गैस की टंकी वगैरह, और ये अभी मैंने कस्टर्ड पाउडर मंगवाया है। ये देखिए दही रखा हुआ है जमा हुआ, ये कुछ फ्रूट्स और सब्जी बनी हुई है, ये कॉर्नर है, ये हमारा बेसिन का सिंक का एरिया है, ये सिंक के नीचे का एरिया है, और ये साइड वाली ड्रॉर है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बर्तनों का स्टैंड है और इस पर हमें कांच के बाउल और ग्लास वगैरह रखे हैं। ये देखिए मग है, बाउल हैं, प्लेट्स हैं, ये बड़ी थालियाँ हैं, ये प्लेटें हैं, यहाँ हमने चम्मच वगैरह टांग दिए हैं, डलिया वगैरह, केटली। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताइएगा। ये मैंने किचन की क्लीनिंग की है।